किसी किसी की हड्डी बढ़ने लगती है, बेचारा को बहुत दर्द करेगा, ऐसे झुकेगा, अरे बाप। हड्डियां जहाँ ज्वाइंट करती हैं उसी को कहेंगे गठिया बीमारी। जो बूढ़े लोग होंगे या हमारे एज के जो लोग होंगे उनसे पूछिएगा, बड़ी हड्डी जो होती है बीमार अंदर से खोक। आइए बड़ी वाली टीबिया और सपोर्ट में फिबुला, टीबिया और फिबुला, इसमें सबसे ज्यादा चमक पाया जाता है, हड्डियों में चमक। अभी नहीं कि टॉर्च की तरह चमकेगा, बड़ा साफ सुथरा दिखता है। कौन सा? टीबिया। सबसे चमकीली हड्डी? चमकीली हड्डी। खोखली हड्डी? सबसे लंबी हड्डी? सबसे लंबी खोखली। हिंदी में इसे उरू कहते हैं, क्या कहते हैं? उरू। क्या कहेंगे? उरू। बीपीएससी में पूछा था उरू अस्थि कहाँ होती है, लड़का पगला गया, कहाँ पूछ रहा है रे? उरू अस्थि। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में। कहाँ पाया जाएगा? जांग। एक उलाट के पूछिएगा उरू अस्थि तो कोई और पगला जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो कभी कभी भाषा ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला पे देख लेना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्षियों की सारी हड्डियाँ खोखली होती हैं ताकि हल्का हो सके और उड़ सके, हल्का हो सके और उड़ सके। हड्डियाँ जहाँ ज्वाइंट करती हैं वहाँ पे पूरी तरह से ज्वाइंट नहीं होता, हल्का सा गैप होता है। इनके बीच में साइनोवियल नामक क्या भरा होता है? लिक्विड। क्या भरा होता है? साइनोवियल। पूरा जाम कर देंगे तो मुड़ेगा कैसे? रगड़ा के खत्म हो जाएगा एक के दूसरे में। दरवाजा बंद होता है तो क्या पूरा जाम हो जाता है? बरसात में कभी कभी फूल जाता है, जाम हो जाएगा, दरवाजा छिला जाता है यहाँ पर। तो किसी किसी की हड्डी बढ़ने लगती है तो बेचारा को बहुत दर्द करेगा। तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, साइनोवियल लिक्विड। कौन सा लिक्विड? कौन लिक्विड? साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड। आप हम लोग के एज के जब आइएगा ना तो ये साइनोवियल लिक्विड अब खत्म होने लगता है, तो उसी को कहेंगे गठिया बीमारी। अब हम लोग को झुकने से पहले सोचना पड़ता है, अरे सोचा तो नहीं, झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकेगा, अरे बाप, फिर ऐसे उठेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अंकल जी कोई दिक्कत? नहीं, अभी वो अंकल टाइप का दिख रहा है, अंकल है थोड़ी ना। हाँ, कब का है तुम? अरे 19-20 साल में उसको बूढ़ा कर दोगे? आगे बढ़े। कौन सा लिक्विड भरा होता है? गठिया में ये साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता और इसके बीच में बोरिक एसिड भर जाता है, यूरिक एसिड। बोरिक एसिड नहीं जी, यूरिक एसिड। कौन सी बोरिक एसिड? यूरेनियम को विस्फोट को रोकने के लिए लगाया जाता है, गलती से बोरिक बोलते, यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? यूरिक एसिड भर जाता है। तो आप में जो भी आपके घर में जो बूढ़े लोग होंगे या हमारे एज के जो लोग होंगे उनसे पूछिएगा गठिया क्या चीज़ होता है, बताएंगे उनमें क्या चीज़ भर जाता है? यूरिक एसिड भर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। सबसे चमकीली हड्डी? सबसे मजबूत? सबसे मजबूत? हाँ, जाबड़ा। सबसे कमजोर? सबसे छोटी? सबसे लंबी? खोखली हड्डी? चमकीली हड्डी? हड्डियों में मैक्सिमम घनत्व कब आता है? हाँ, 30 साल के बाद।